हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद अंकित में। और मैं अंकित कुमार आप सभी के साथ एक बार फिर से लेकर के नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम आज से शुरू कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी यानी यूनिट नंबर जो 1 है एनटीए यूजीसी नेट ज्योग्राफी के सिलेबस में। यूनिट नंबर 1 जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, ये हम आज से शुरू कर रहे हैं। और यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 10 तक हम पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्लस जो पीडीएफ मटेरियल है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके कि आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पर दिए जाएंगे, जिससे आपको तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये सब बिल्कुल फ्री में है, आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं है इसका, बिल्कुल फ्री में है। आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, यूट्यूब चैनल से जुड़ें और इन सब चीज़ों का आप बिल्कुल निश्चित रूप से फ्री में फ़ायदा उठाएँ। देखिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसे शेयर करें ज़रूर, ताकि जो हर एक एस्पिरेंट है उस तक ये बिल्कुल जो मेरी एक इनिशिएटिव है मेरे द्वारा लिया जा रहा है उस तक ये बात ज़रूर पहुंच सके, ठीक है। इसके बाद मेरे को कमेंट आया था कि यूनिट नंबर जो 9 है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, या फिर हम जिसे कार्टोग्राफी एंड टेक्निक्स वाला पोर्शन भी हम कहते हैं, कि उसे आप पहले कवर करवाएं। तो देखिए, चैनल पे मैं इसे ज़रूर से शुरू करवाऊँगा, लेकिन एक अभी मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या है 75, ठीक है, 75 सब्सक्राइबर हैं। और जिस जैसे ही ये संख्या 100 हो जाती है, उसी दिन में जो प्रैक्टिकल वाला सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट आपको स्टार्ट करवा दूंगा। होगा ये कि दिन में आपको 12 बजे तक आपको मिलेगा जियोमॉर्फोलॉजी का लेक्चर, ठीक है, 12 बजे तक आपको जियोमॉर्फोलॉजी का लेक्चर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद शाम को आपको 5 बजे के करीब आपको प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का आपको लेक्चर मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और शेयर बहुत ज़्यादा करना है, जिससे कि जैसे ही 100 सब्सक्राइबर होते हैं, ये सब आप चीज़ें आराम से कर सकते हैं, जैसे ही 100 सब्सक्राइबर होंगे वैसे ही मैं प्रैक्टिकल का लेक्चर भी स्टार्ट कर दूंगा। अभी केवल जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन शुरू किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही 100 सब्सक्राइबर होंगे वैसे ही मैं आपके लिए जो प्रैक्टिकल सेक्शन वाला कोर्स है उसे भी लॉन्च कर दूंगा। वरना 1x1 करके हम धीरे धीरे पूरा कवर करवाएंगे, सारा पोर्शन सभी यूनिट को डिटेल में हम यहाँ पर कवर करवाएंगे। आज से लेक्चर नंबर 1 है, ये जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। जियोमॉर्फोलॉजी के जितने भी वीडियो हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। प्लस जब इसका सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी का, आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जियोमॉर्फोलॉजी से, सभी का यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जाएगा। वो भी बिल्कुल फ्री में है, आप आराम से इसे देखें और शेयर ज़रूर करें। लेकिन और सबसे पहला जो ये लेक्चर है, ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है। और मैं हर एक लेक्चर के इससे पहले बता दूं, हर एक लेक्चर के शुरू में ही आपको बता दूंगा कि कौन किस लेक्चर की किस टॉपिक की कितनी ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट है, कितनी ज़्यादा उसकी डिमांड है, कितना ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप शुरू में ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पे हमें, किस पॉइंट्स पे, किस टॉपिक पे हमें कितना ज़्यादा फोकस करना है। ये जो टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी का, पढ़ना इम्पॉर्टेंट है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन हमें इस पे उतना ज़्यादा फोकस करना नहीं, क्योंकि 2012 से उससे भी पहले से अगर हम देखें तो इससे केवल 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2 बार में भी केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो है कि उसी क्वेश्चन को उन्होंने फिर से रिपीट कर दिया था, कोई दोबारा इससे नया क्वेश्चन उठा नहीं था, ठीक। इसलिए फिर भी अगर पूछा गया क्वेश्चन, हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट में पूछ जाए, तो वैसे तो संभावना है नहीं, इसलिए हमें इस पर बिल्कुल थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है, कि अगर वही क्वेश्चन फिर से दोबारा आ गया तो हम उसे सॉल्व कर पाएँ। तो ये जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है, इसका मतलब क्या है पृथ्वी का जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। जैसे हम मानव का इतिहास पढ़ते हैं, जैसे हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो हमने भारत के इतिहास को 3 पीरियड्स में, एक है प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और एक है आधुनिक काल, यानी कि एंशियंट मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया, है ना। वैसे ही पृथ्वी का जो इतिहास है, यानी कि पृथ्वी की जो आयु है 4.6 बिलियन है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इस 4.6 बिलियन में जो हम पूरे को हम इतिहास में नहीं काउंट करते हैं, हम पृथ्वी का इतिहास कहाँ से पढ़ते हैं, हम वहाँ से पढ़ते हैं जहाँ से पृथ्वी के इतिहास में हमें रॉक्स
फॉसिल्स ठीक है, और लाइफ, हमें ये सारी चीज़ें हमें पृथ्वी के सरफेस पे और महासागरों में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, हम पृथ्वी के इतिहास को पढ़ने के माध्यम से हमें ये सिर्फ बताना चाहते हैं या फिर ये समझने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी का जो पृथ्वी पे उत्पत्ति के समय से लेकर और वर्तमान काल तक, यानी जब से ये ओरिजिन हुआ है और प्रेजेंट तक, पृथ्वी किन किन दशाओं से होकर गुजरी है। ठीक है, उस हर एक पीरियड, टाइम पीरियड में किस प्रकार की चट्टानें थीं, किस प्रकार का जीवन था वहाँ पे, किस तरीके की लाइफ फॉर्म हुई थी, उस समय क्या दशाएं थीं, इन सब चीज़ों का हम, और किस सीरीज़ में पहले क्या हुआ, पृथ्वी के शुरुआती दौर में क्या हुआ, फिर जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता गया और वर्तमान काल तक किस तरीके से पृथ्वी में चेंजेस आए हैं, इन सभी को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो पृथ्वी का जो पूरा एक हम कह लीजिए जो टाइम पीरियड है, उसको हमने छोटे छोटे फिर सब पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड होता है, जिसकी समय अवधि सबसे ज़्यादा होती है मिलियंस में, उसे हम कहते हैं एरा। यहाँ पर एरा का मतलब है, एरा का मतलब इसे हिंदी में कल्प भी कहते हैं। ठीक है, और उससे फिर इस एरा को हमने फिर उसके सब डिविज़न कर दिया, तो उसे हम कहेंगे अपॉक। यहाँ पर अपॉक लिखा हुआ है, अपॉक का मतलब होता है युग, और फिर युग को भी हम कई छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें हम हिंदी में शक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद करना, हम कैसे आप इसे याद रख सकते हैं, वैसे इस पर ज़्यादा बर्डन देने की ज़रूरत है नहीं कि आप इसे ज़रूरी बिल्कुल याद करें, क्योंकि जितना क्वेश्चन यहाँ से, एक दो क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूँगा। ठीक है, सबसे पहला जो एरा है वो है एजोइक या आर्कियन भी हम इसे बोलते हैं। ये आर्कियन के नीचे AN जो है वो नीचे वाली लाइन में आ चुका है, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, आर्कियन, आर्कियन के बाद जो दूसरा एरा है पैलियोजोइक, आर्कियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक, APMCN, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं APMCN, ऐसे एजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, अब एक के बाद इसको एक एक करके हम देखते हैं इसकी क्या विशेषता है, उसका थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर दिया है, आप उसे देखेंगे और बस जो उसकी विशेषता है उसे हल्का सा आप याद रख लेंगे। ठीक है, अजोइक है, उसमें कोई भी अपॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं हुई थी। हम प्राइमरी अपॉक कहाँ से मानते हैं, जहाँ से कोई भी लाइफ फॉर्म हुई थी, चाहे वो समुद्रों में ही रही हो केवल, लेकिन हम उसे प्राइमरी वहीं से काउंट करेंगे जहाँ से कोई लाइफ फॉर्म हुई होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अजोइक में जो पीरियड्स रहे हैं, यानी कि शक, वो रहे हैं आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन मतलब कैम्ब्रियन से पहले की। ठीक है, आर्कियन युग की जो क्या खास बातें हैं इसमें, इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो काल अवधि थी, इसमें जीवन रहित काल अवधि थी। जीवन रहित मतलब यहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि पृथ्वी इस समय पर क्या थी, एक गर्म धधकता हुआ लावा के समान थी, इसलिए यहाँ पर कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं हुई थी। और जब कोई लाइफ फॉर्म नहीं थी, तो उस समय की जो चट्टानें थी, उनमें जब दबाव और ताप बढ़ा, तो वो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें, उनमें वो परिवर्तित हो गई। जब ग्रेनाइट, जब हम रॉक पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि जो रॉक होती है, जब उसका रूप परिवर्तित होता है, मेटामॉर्फिक वो रॉक बनती है, तो उसका कैसे कैसे रूप चेंज होता है। ठीक है, वैसे ही जब ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है या उसका मेटामॉर्फिज्म होता है, तो वो नीस की चट्टान में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई, ग्रेनाइट की चट्टानें थी जिनमें दाब और ताप बढ़ा, तो वो नीस की चट्टानों में परिवर्तित हो गई। अजोइक के बाद जो उसका सेकेंड पीरियड है, वो है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में क्या हुआ, प्री कैम्ब्रियन में रीढ़ विहीन जो जीव थे, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स, उनका उद्भव हुआ। उनका क्या हुआ, उद्भव हुआ। ठीक है, इन्वर्टिब्रेट्स जो समुद्रों में थे अभी तक केवल, अभी सागरों पे ही केवल जीवन है, अभी केवल क्या है, समुद्रों में ही जीवन है, अभी स्थल भाग में जीवन नहीं आया है। और समुद्रों में भी जो जीवन है वो बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवन है। ठीक है, बिना हड्डी के जो रीढ़ के बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं, वही जो है समुद्र में अभी पनप पाए, अभी स्थल भाग जीवन रहित है। और इस समय पर एक आइस एज भी आया था प्री कैम्ब्रियन में। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एरा है वो है क्या, पैलियोजोइक। अब पहले जो युग में हम क्या करेंगे, प्राइमरी, जो प्राइमरी अपॉक हम इसे काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव हैं, वो समुद्रों में उनका क्या हुआ था, उनका बहुत तेज़ी से उनका विकास होने लगा था। ये जो रीढ़ की हड्डी जीव, रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं प्राइमरी में। लेकिन अब इसे समझने से पहले एक बात मैं आपको बता दूँ कि पैलियोजोइक जो एरा है, इसको हमने कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और सिलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन, इन पीरियड्स यानी शक में हमने इन्हें
डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से कि हर एक की क्या है अपनी एक खास बात है अलग, जिसमें जिस टाइम पीरियड में अलग अलग कुछ ना कुछ काम हुए हैं, ठीक है, जो घटनाएं हुई हैं पृथ्वी पर। सबसे पहला है कैम्ब्रियन, जो पहला है यहाँ पर लिखा हुआ है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ, कैम्ब्रियन एज की जो चट्टाने हैं, ठीक है, और चट्टाने कैम्ब्रियन एज की, उसमें रीढ़ विहीन रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ समुद्रों में। भोजन और सागरीय घास, जिनका जो भोजन था उन रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का क्या था, वो जीव भोजन सागरीय घास था, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है वो है ऑर्डोवेशियन, ऑर्डोवेशियन शक, जिसमें ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का और ज़्यादा विकास हुआ। ऑर्डोवेशियन के बाद आता है सिल्यूरियन, सिल्यूरियन में, सिल्यूरियन को हम एज ऑफ वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एज ऑफ वर्टिब्रेट्स किस पीरियड को या फिर किस एरा को कहते हैं, वो क्या है, एरा पूछेगा तो पैलियोजोइक, ठीक है, और अगर पीरियड या शक पूछेगा तो एज ऑफ वर्टिब्रेट्स कहा जाएगा सिल्यूरियन को। सिल्यूरियन में हम कहते हैं कि सिल्यूरियन में छोटी छोटी मछलियाँ, कोरल और बिना पत्तियाँ वाली वनस्पति का विकास हुआ, ठीक है। सिल्यूरियन जो एज है उसमें छोटी 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 मछलियाँ, कोरल रीफ जो मूंगे की चट्टानें हैं, और बिना पत्तियों वाली वनस्पतियों का विकास हुआ। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं डिवोनियन, डिवोनियन को हम एज ऑफ फिश कहते हैं। यहाँ पर देखें सिलूरियन में छोटी मछलियाँ, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंट एक विकास हुआ वो हुआ डिवोनियन में। डिवोनियन में एज ऑफ फिश इसे हम कहेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर बड़ी मछलियों की जो संख्या थी वो ज़्यादा बढ़ी और उनका जो डोमिनेंट है वो भी डिवोनियन में आपको देखने को मिलता है। और इसी पीरियड में आपको जो शार्क मछली है वो भी आपको देखने को मिलती है। भूपटल पर हरी घास और एम्फीबियंस का यहाँ पर उद्भव आपको देखने को मिलता है। अब क्या है, समुद्रों से जीवन बाहर निकल करके स्थल भाग में आपको देखने को मिलता है और जो एम्फीबियंस होते हैं उनका भी आपको यहाँ पर विकास देखने को मिलता है। और इसके बाद जो अगला आता है पीरियड, अभी हम पहले जो एक के अंदर ही देख रहे हैं, ठीक है, वो आता है कार्बोनिफेरस। अब कार्बोनिफेरस में आप सभी जानते हैं कि कार्बोनिफेरस काल का एक कोयला होता है। कोयला चार प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। जिसमें से एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो सबसे उत्तम कोटि का कोयला होगा। सबसे उत्तम कोटि का कोयला या फिर द्वितीय या तृतीय कोटि का कोयला किस प्रकार पर आधारित होता है, वो जो कोयला जितना ज़्यादा पुराना होगा उसमें जलवाष्प की मात्रा उतनी ही कम होगी। अब जो कोयला जितना ज़्यादा पुराना होगा मतलब उसमें उतनी ही ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा कम होगी और उसका जो कोटि है वो उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है, वो उतनी अच्छी क्वालिटी का कोयला होगा। तो जो कार्बोनिफेरस काल का कोयला है वो बहुत पुराना कोयला है, ठीक है, और इसी कारण क्या है, ये इसमें जो कोयला पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रेसाइट कोयला बोलते हैं, ठीक है, यानी कि नंबर वन क्वालिटी का, नंबर वन कोटि का कोयला, ठीक है। और इस युग में आपको हिम युग यानी कि आइस एज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं जो लास्ट पीरियड है यहाँ का पैलियोजोइक का, यह है परमियन। परमियन में आपको अपलेशियन, ब्लैक फॉरेस्ट और पतझड़, अपलेशियन जो माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, और आपको डिसोडियस फॉरेस्ट यानी कि पतझड़ पौधे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में ये लिख करके बताना है कि अपलेशियन और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन किन कंट्रीज़ में है, ठीक है, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। इसके बाद जो अगला एरा आ जाता है वो है क्या, मेसोजोइक। मेसोजोइक एरा में इसे हम कहते हैं सेकेंडरी अपोक, ठीक है, प्राइमरी ये हो गया और ये है सेकेंडरी। सेकेंडरी एपोक में आपको यहाँ पर ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस तीन आपको यहाँ पे पीरियड देखने को मिलते हैं, जिनमें से कि ट्रायसिक जो पीरियड है इसको हम एज ऑफ रेप्टाइल भी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, एज ऑफ रेप्टाइल। रेप्टाइल का मतलब है कि रेंग के चलने वाले, ठीक है, एज ऑफ रेप्टाइल इसलिए हम कहते हैं। इसमें लॉबस्टर, केकड़ा, ऐसे आपको जीव आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है जुरासिक। जुरासिक जैसे कि सभी लोग इसमें जानते हैं, इसमें एज ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स भी, इसे सबसे पहली बात, इसे एज ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स भी कहते हैं। एज ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स का मतलब है ऐसे जीव जो कि उड़ सकते हैं, यानी कि उड़ने वाले जीवों को हम आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। तो इस एज में, जुरासिक एज में आपको उड़ने वाले जीवों का विकास देखने को मिलता है, इसलिए इसे एज ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स भी कहते हैं। और जुरासिक जो
एक मूवी भी बनी थी जुरासिक पार्क, जिसमें आपको डायनासोर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो ये वही एज है जिसमें डायनासोर का काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको विकास और उद्भव देखने को आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद दलदली भूमि में जो और दलदली भूमि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि पानी काफ़ी ज़्यादा और स्थल भाग में नमी, वर्षा की मात्रा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर आपको मिलती हैं। ऊँचे ऊँचे पेड़ जिनकी जो सदाबहार पेड़ होते हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर तक हो जाती है, और डायनासोर, ये सारी विशेषताएं इस जुरासिक पीरियड की रही हैं। इसके बाद आता है लास्ट, जो इस मेसोजोइक एरा का लास्ट पीरियड है वो है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में खड़िया खड़िया जो मिट्टी होती है, खड़िया चौक और बड़े बड़े कछुए, ये इसकी खास बात रही हैं। ठीक है भैया, इसके बाद आ जाते हैं हम अगले एरा पर जिसका नाम है सीनोजोइक। सीनोजोइक या केनोजोइक भी इसे लिख दिया जाता है, सीनोजोइक। सीनोजोइक को हम टर्शरी अपॉक भी कहते हैं, टर्शरी अपॉक, जिसमें कि ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है, ईओसीन में हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर और की आपको उत्पत्ति देखने को मिली। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर ईओसीन काल में ही इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसके बाद हिमालय की जो उत्पत्ति है वो यहाँ पर शुरुआत आपको देखने को मिलती है। हिमालय जो ट्रांस हिमालय वाला भाग है, हिमालय के चार रेंज हैं, ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय। इनमें से जो ये ट्रांस हिमालय वाला भाग है, ये आपको ईओसीन काल में इसकी शुरुआत आपको देखने को मिली। ईओसीन का जो चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखला है, वो इस काल में आपको बढ़ती हुई नज़र आती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आपको हाथी, घोड़ा, सूअर, मगरमच्छ, इनके जो पूर्वज हैं, हाथी, घोड़ा, सूअर, मगरमच्छ, इन सब की उत्पत्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलती है ईओसीन काल में। ओलिगोसीन में आल्प जो पर्वत है, आल्प पर्वत को भी आपको बताना है कि किस कंट्री में है। ठीक है, कमेंट में लिख करके। केकड़ा, घोंगा और स्थल भाग पर बिल्ली, कुत्ते, भालू, इन सभी के पूर्वज। ठीक है, डायरेक्ट तो बिल्ली, कुत्ते और भालू ये सारे नहीं बन जाएंगे, तो इनके पूर्वज आपको ओलिगोसीन काल में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो सीनोजोइक में ही ईओसीन, ओलिगोसीन और मायोसीन के बाद जो अगला पीरियड आता है वह है मायोसीन। मायोसीन में आपको प्राचीन पेंगुइन का विकास देखने को मिलता है, और प्लायोसीन सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें कि आपको वर्तमान महासागर और महाद्वीप का जो वर्तमान स्वरूप है, जो कि आज हम देख पाते हैं, जिसमें 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, महासागर हैं और जो प्राइमेट्स हैं वो भी आपको इसी काल में देखने को मिलते हैं। प्राइमेट्स यानी कि गोरिल्ला, ओरंगोटैन, ठीक है, ये सारे प्राइमेट्स हैं जो कि वर्तमान में चलते हुए, जो कि उससे जो प्राइमेट्स हैं उनका अब सभी का उद्भव आपको इसी काल में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मानव का उद्भव हुआ था, उसकी एक श्रृंखला है, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, निंडरथल, क्रोमैग्नन, ये सारे आपको फिर आगे चल करके यही फिर क्या है, होमो सेपियंस कहलाया। ये सारे आपको प्राइमेट जो हैं आपको प्लायोसीन काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैस्पियन सागर, ब्लैक सी, अरेबियन सी, ठीक है, ये सभी इनका उद्भव आपको प्लायोसीन काल में देखने को मिलता है। और अंत में जो सबसे लास्ट का, यानी कि सबसे न्यूली अभी जो है, जो अभी चल रहा है, वो है एरा नियोजोइक। नियोजोइक एरा को हम क्वार्टनरी एपोक भी कहते हैं, और इसे दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्लिस्टोसिन, दूसरा है होलोसिन। प्लिस्टोसिन और होलोसिन में देखिए एक अंतर है, पृथ्वी पर अलग अलग टाइम पीरियड में क्या है, आइस एज आए, और हर एक आइस एज के बाद, जैसे मान लीजिए अभी एक आइस एज आया, तो उसके बाद जो अगला टाइम पीरियड होगा वो इंटरग्लेशियल आइस एज होगा। इंटरग्लेशियल आइस एज यानी कि हिमयुग के बाद, फिर वो क्या है, एक हिमयुग आया, उसके बाद अगला जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड वो हिम के पिघलने का काल होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्लेस्टोसिन काल में गुंज मिंडल रेस वर्म यूरोप में हिमयुग आया। ठीक है, इस काल में क्या हुआ, 4 आइस एज आए, गुंज मिंडल रेस वर्म। तो वर्म के बाद जो अगला टाइम पीरियड है होलोसीन, जो वर्तमान में अभी चल रहा है, जिसमें हम जी रहे हैं, इसे कहेंगे होलोसीन। और होलोसीन क्या है, होलोसीन एक इंटरग्लेशियल आइस एज है। ठीक है, आई पीरियड है जिसमें हम क्या है, हिम को पिघलता हुआ, इसीलिए तो अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है वो आप पिघल रही है। वो क्यों है, क्योंकि जो वर्म के बाद जो अगला टाइम पीरियड है होलोसीन, होलोसीन का मतलब कि जो हिम है अब पिघलेगी इस काल में, और हम अभी क्या है, इसमें जी रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा वो टाइम पीरियड है जिसमें जो उत्तरी भाग है, जो पृथ्वी का, एक सेकेंड, पृथ्वी का
यह है पृथ्वी, इसका जो उत्तरी भाग है यहाँ पर है, इधर की तरफ है क्या, यूरोप। अब यूरोप में अगर आइस एज आएगा तो जो उत्तरी भाग है वही तो क्या है उससे प्रभावित होंगे, ना कि दक्षिणी महाद्वीप होंगे प्रभावित, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका का दक्षिणी छोर है, या फिर साउथ अमेरिका की, वो प्रभावित होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्लेस्टोसिन काल में निम्नलिखित में से कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो उससे प्रभावित हुए थे, और उनमें से कोई ऐसी कंट्री है जैसे ब्राज़ील है, जैसे अर्जेंटीना है, या साउथ अफ्रीका दे दी, ऐसा अगर कोई कंट्रीज़ हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कौन सी कंट्रीज़ होंगी जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर की या फिर उत्तरी गोलार्ध की आपको, और उनमें भी उत्तरी छोर की जो कंट्रीज़ हैं वो उससे प्रभावित हुई होंगी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट में आप लिख करके बताएं जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर करके 100 सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाते हैं, तो उसी दिन में जो ज्योग्राफी की 9th यूनिट है, कार्टोग्राफी एंड टेक्निक्स, या प्रैक्टिकल सेक्शन वाला है NTU जीएसनेट ज्योग्राफी के लिए, वो उसी दिन मैं शुरू कर दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़रूर। थैंक यू सो मच, बाय।